बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GDB 502 लास्ट डेट है और आप लोगों को एक सिनेरियो दिया हुआ है कि जिसमें एक इंजीनियर है मशीन लर्निंग, एक कंपनी ने हायर करना है और उसको कहा है कि कोई एक डाटा कंप्रेशन टेक्निक या एक एल्गोरिदम सजेस्ट करे जो कि फिक्स लेंथ या वेरिएबल लेंथ के ऊपर बेस करता हो। तो उसका फ़ायदा क्या हो कि वो एक लूजलेस एंड स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ द नेटवर्क एंड लेस कॉस्ट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो। कंपनी इज टूवर्ड एफिशिएंट डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लूजलेस होनी चाहिए एंड स्पीडी ट्रांसफ़र रेट होना चाहिए, और वो फिक्स लेंथ हो या वेरिएबल लेंथ हो इसको सामने रखना है। एफिशिएंट रिडक्शन इन द साइज, बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए कि साइज़ जो है उसको रिड्यूस किया है। सिक्योर होना चाहिए कि वो उसको डिक्रिप्ट ना किया जा सके। एक्यूरेसी लेवल मस्ट बी हाई, मतलब उसका ठीक होना भी है, और स्पीड अप और उसकी वजह से रिड्यूस द ट्रांसमिशन कास्ट, उससे कास्ट पे ही फ़र्क पड़े। ASCII कोड शुड नॉट बी यूज्ड टू इनकोड स्ट्रिंग्स और करेक्टर्स। तो इसके लिए आपको ASCII कोड जो है वो यूज़ नहीं करना होता, आपने यूज़ करना होता है कोई भी इनकोडिंग लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर उन्होंने कहा है कि बताएं कि जी वो वेरिएबल लेंथ डाटा कंप्रेशन टेक्निक होनी चाहिए, तो वाई अगर हम वेरिएबल कहते हैं या फिक्स लेंथ कंप्रेशन टेक्निक कहते हैं तो कौन सी होनी चाहिए। हमेशा ही वेरिएबल लेंथ डाटा कंप्रेशन टेक्निक ज़्यादा सूदमंद साबित हुई है, लेकिन साथ में लूजलेस और डाटा प्रोटेक्शन और एक्यूरेसी और उसका साइज़ कम करना, तो उसके लिए वेरिएबल लेंथ ही ज़्यादा सूटेबल है। फिक्स लेंथ बहुत कम होता है कि वो साइज़ को कम करे। हाँ जी, अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, लेकिन सब्सक्रिप्शन लाजमी करें। अगर मेरी आपको एफर्ट पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी असाइनमेंट्स पसंद आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, थैंक यू। उसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मैंने कुछ क्यू रिसर्च की हैं जो कि मुझे इस तरफ लेके जा रही हैं। हॉफमैन कोडिंग एल्गोरिदम इन डाटा कंप्रेशन इज़ अ लूजलेस डाटा कंप्रेशन एल्गोरिदम। तो जो उन्होंने डिमांड किया वो लूजलेस होना चाहिए, और इसके लेंथ जो है और जो साइज़ है वो उसको देखना। द मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स गेट्स द स्मॉलेस्ट कोड एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंस करेक्टर गेट द लार्जेस्ट कोड। तो कोडिंग जो इनकोडिंग टीम है जिन्होंने हॉफमैन की कोई रीसेंट जिन लोगों ने असाइनमेंट की है उनको आइडिया होगा कि वो कैसे डिसेप्ट बनाते हैं। ये देख के मैंने इसको सर्च किया, कैन हॉफमैन कोड बी अप्लाई टू रिड्यूस द डाटा। तो बेस्ट अप्रोच रिड्यूस द साइज ऑफ लार्ज डाटा अरे थ्रू दिस एल्गोरिदम, और ये आपका डाटा को बहुत बहुत कम कर देता है कंप्रेस करके। यूज़ अ लोअर नंबर बिट्स टू इनकोड डाटा इन टू बाइनरी कोड। तो ये बहुत कम बिट्स के ऊपर ले जाता है। उसके बाद मैंने एक और सवाल सर्च किया था, हॉफमैन कोडिंग इज़ नॉट यूज फॉर आस्की। तो यहाँ पे मुझे एक आंसर मिला कि ये जो है वो हॉफमैन यूज़ अ वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स फॉर ईच करेक्टर, जबकि अनलाइक आस्की कोड यूज़ एग्जैक्टली 8 बिट्स। तो जो उन्होंने कहा था कि इसको हमने यूज़ नहीं करना, तो उसके लिए भी है कि हॉफमैन जो है वो वेरिएबल लेंथ यूज़ करता है, आस्की कोड वाले स्ट्रिंग्स को यूज़ नहीं करता। आस्की कोड शुड नॉट बी यूज टू इनकोड स्ट्रिंग्स और करेक्टर्स। तो आस्की कोड के वो 8 बिट्स को इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने लिहाज से उनको चेंज करता है। इसी तरह ही जब उसका साइज़ कम होगा तो रिड्यूस होने की बेस के ऊपर वो जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होगा, जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसमिशन कॉस्ट भी कम होगी। एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई है, ये काफ़ी रिकमेंडेड जो है वो एल्गोरिदम है डाटा कंप्रेशन के लिए। सिक्योर भी है, इट इज़ इन कैन नॉट बी इजीली ब्रेक डाटा कम इनक्रप्शन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्री एंड देन उसको सारे सिनेरियो को आप लाइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद
जो हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर के सिक्योरिटी और इसके फीचर। तो आपको विकिपीडिया के ऊपर इस चीज़ को और ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा कि हॉफमैन जो है वो हॉफमैन कोडिंग इनकोडिंग या कोडिंग इसकी एग्जांपल, ये ज़्यादातर जेपीजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये विकिपीडिया के ऊपर हॉफमैन कोडिंग है, तो मैं इसी के ऊपर जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ कास्ट बेनिफिट्स और नेटवर्क के लिहाज से, तो यहाँ से आप लाइनें लेके इनको रीराइट कर सकते हैं। ये लूजलेस वाला जो उसने बात की है वो उसकी वजह से ये काफ़ी इशारा दे रहा है। वेरिएबल लेंथ है, यही इसकी कैटेगरी है। उसके बाद मैंने यहाँ से भी इसको पढ़ा कि ये जो वेट है, चाइल्ड है और क्रिएट लीव, तो ये इसका एल्गोरिदम है कि किस तरह वो कंप्रेशन करता है। डीकम्प्रेशनली सिंपली ए मैटर ऑफ ट्रांसलेटिंग द स्ट्रीम, तो ये काफ़ी आसान है डीकम्प्रेशन करना भी, इसके अंदर रिवर्स लेके आना तो वो भी इसके अंदर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वो उन्होंने कहा कि डीकम्प्रेशन जो है वो आसान होनी चाहिए। और वेरिएशंस अडॉप्टिव, तो इसके अंदर काफ़ी सारे इसकी वेरिएशंस हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये द डिफरेंस इज स्पेशली स्ट्राइकिंग फॉर द स्मॉल एंड अल्फाबेट साइज, वो कैपिटल और स्मॉल के ऊपर भी बात हो सकती है कि वो उनको कैसे हैंडल करता है ये। तो ये सारा जो है वो आप लिख सकते हैं इसके रिलेटेड कि जी हॉफमैन कोडिंग इज़ बेस्ट चॉइस फॉर व्हेन वी यूज़ वेरिएबल लेंथ एंड लूजली लेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक, एंड इट आल्सो डिडंट बेस ऑन आस्की कोड, इट जनरेट इट सेल्फ कोड बेस्ड ऑन ट्री। सो हॉफमैन कोडिंग इज़ द बेस्ट फॉर दिस सिनेरियो। आई विल सजेस्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हॉफमैन कोडिंग एल्गोरिदम इज़ बेस्ट फॉर दिस सिनेरियो। आई होप सो आपको बातें समझ आ गई हूँ। और रात के 1 बज रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।